सुप्रीम कोर्ट ने पेड न्यूज के खिलाफ लड़ने के लिए चुनाव आयोग को खुली छूट दे दी है। सर्वोच्च अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के पैरा 77 वाले उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने पेड न्यूज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से चुनाव आयोग के हाथ बांध रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नई रोक आने वाले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि चुनाव के समय पेड न्यूज के मामले काफी बढ़ जाते हैं। इससे पहले सुनवाई में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोई भी ऐसी खबर जिसमें राजनेता अपने रिकॉर्ड और उपलब्धियों के आधार पर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहा हो, उसे पेड न्यूज माना जाएगा। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस आदेश में मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज के आरोपों में 3 साल के लिए आयोग ठहराने के चुनाव आयोग के फैसले को हाईकोर्ट की 1 सदस्यीय पीठ ने 18 मई को खारिज कर दिया था। आयोग ने इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा था कि बहुत ज्यादा प्रसार क्षेत्र वाले समाचार पत्रों में प्रत्याशियों के नाम से जारी बयानों में उनके रिकॉर्ड और उपलब्धियों की प्रशंसा करने के साथ मतदाताओं से सीधे वोट देने की अपील भी की जाती है। ऐसी खबरों को चुनाव आयोग सम्मान खबर नहीं बल्कि पेड न्यूज मानता है। साल 2014 में महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें पेड न्यूज के काफी मामले सामने आए थे। सबसे ज्यादा हरियाणा में 212 पेड न्यूज के मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में 73, झारखंड में 7 और जम्मू कश्मीर में कुल 21 पेड न्यूज के मामले सामने आए थे। वहीं 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कुल 59 मामले और बिहार में 7 पेड न्यूज के मामले सामने आए। इसी तरह 2016 में तमिलनाडु में 17 और पश्चिम बंगाल में पेड न्यूज का 1 मामला सामने आया था। 2017 में पंजाब में 80, उत्तर प्रदेश में 56, गुजरात में 238 मामले पेड न्यूज से जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।